तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेंस एजुकेशन में। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र का जो मॉडल पेपर है ये मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, कक्षा 12वीं मध्य प्रदेश त्रैमासिक परीक्षा और विषय है हमारा फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको मैं प्रतिदिन इसी प्रकार की अपडेट उपलब्ध करवाऊं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों आपका पहला प्रश्न इस प्रकार है, सही विकल्प चुनकर लिखिए में बहुवर्षीय खरपतवार है। आपको बहुवर्षीय खरपतवार बताना है। हिरणखुरी, बथुआ, कांस, सत्यानाशी चार ऑप्शन हैं। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा हिरणखुरी। जो हिरणखुरी है ये बहुवर्षीय खरपतवार है। तो अच्छी तरह से आप इसको कंप्लीट करेंगे दोस्तों। हिरणखुरी के बाद में हम बात कर लेते हैं दूसरा आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। तो दूसरा बहुविकल्पीय प्रश्न है दोस्तों, उसमें आपको ध्यान रखना है निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाला जैव उर्वरक है। मतलब आपको उस उर्वरक का नाम बताना है जो कि नाइट्रोजन उपलब्ध करवाता है। तो ऑप्शन देखिए, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोलाफर्न। दोस्तों ये तीनों नाइट्रोजन उपलब्ध करवाते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपको याद करना है उक्त सभी। मतलब राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोलाफर्न, ये तीनों क्या है, नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले जैविक उर्वरक हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है आपका वो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मशरूम विषैला है। विषैला मतलब जिसमें विष पाया जाता हो उसको हम विषैला कहते हैं। आपके ऑप्शन है श्वेत बटन, ओयस्टर, एमेनिटा या पेडिस्ट्रा। तो दोस्तों इस तीसरे का करेक्ट जो आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, एमेनिटा। एमेनिटा इज़ द करेक्ट आंसर। ये मशरूम विषैला है, एमेनिटा। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों, भारत में हल्दी की पैदावार किस क्षेत्र में अधिक होती है। भारत में हल्दी की जो पैदावार है वो बताना है किस क्षेत्र में अधिक होती है। तो इसमें आपको दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी भारत। दक्षिणी भारत आपको इसमें करेक्ट आंसर लिखना है और याद करना है दोस्तों कि अगर प्रश्न आया हमारा कि भारत में हल्दी की पैदावार किस क्षेत्र में अधिक होती है तो उसमें हमें बताना है दक्षिणी भारत। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो वो स्थित है मैसूर में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों। अब हम बात करेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये आपके रिक्त स्थान कुछ आ चुके हैं और देखिए पहला रिक्त स्थान क्या है, हमारे देश में जल निकास के लिए प्रायः खालिस्तान विधियाँ ही अपनाई जाती है। तो पृष्ठीय पहले में आप लिखना पृष्ठीय। सिमेजिन एक है क्या है, तो इसमें आप लिखेंगे खरपतवार नाशी। सिमेजिन एक खरपतवार नाशी है। मशरूम में ड्राई बबल रोग का रोग जनक खालिस्तान है, तो वर्टिसिलियम फंजी कोला। इसमें आपको याद रखना है वर्टिसिलियम फंजी कोला, इसमें करेक्ट आंसर होगा तीसरे में। इसके बाद में अभियंता चेन की जो लंबाई है कितने फीट होती है, तो वो 100 फीट होती है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 100 फीट लिख देंगे खालिस्तान में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और विषय के भी मैं इसमें आपको उपलब्ध करवाऊंगा। रेवेन्यू जरीब में खालिस्तान कड़ियाँ होती है, तो 16 कड़ियाँ होती है दोस्तों, 16 कड़ियाँ होती है रेवेन्यू जरीब में। तो ये हमारे रिक्त स्थान थे और ये इसके उत्तर है दोस्तों। पूरा मॉडल पेपर है दोस्तों ये, एक प्रकार का याद रखेंगे आप, ठीक है। अब देखिए सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बोर्डो मिश्रण, तो इसमें आप लिखेंगे फफूंदनाशी, ठीक है। फास्फोमिडोन, तो इसमें आप लिखेंगे दोस्तों कीटनाशी। फास्फोमिडोन कीटनाशी है। और इंक केपस आपका दोस्तों अनचाहे मशरूम है, ये इंक केपस जिसको बोला जाता है। पुदीना, तो दोस्तों पुदीना में आप लिखेंगे मेंथा आर्वेंसिस। और सिट्रल, यह है लेमन घास। सिट्रल क्या है, लेमन घास है। तो ये आपकी सही जोड़ी कंप्लीट होती है। अब हम सही जोड़ी के बाद में बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, वो है हमारा सत्य असत्य छांट कर बताइए। तो सत्य असत्य आप लिखेंगे, देखिए आप अच्छे से एक एक को कंप्लीट करेंगे, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आप सबसे पहले याद रखेंगे एक वर्षीय खरपतवार बीज द्वारा प्रजनित होते हैं, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें आप राइट लिखेंगे, ठीक है, सत्य लिखेंगे मतलब इस प्रकार से।
और मेलाथियान पेराथियान इत्यादि संपर्क कीटनाशी हैं, तो इसमें भी दोस्तों आप सत्य लिखेंगे। अगला देखिए, गन्ने के पौधों का दूब जैसा दिखाई देना ग्रासी सूट बीमारी का लक्षण है, तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। ग्रासी सूट बीमारी का लक्षण है, जिसमें गन्ने का जो पौधा है वो कैसा दिखाई देता है, दूब जैसा दिखाई देता है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। अगला देखिए, मशरूम का बीज स्वान कहलाता है, बिल्कुल गलत है दोस्तों ये। ठीक है, हरी छाल केला की किस्म है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। नाबार्ड की स्थापना वर्ष 1982 में हुई, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका इसमें गलत कौन सा है, ओनली सिर्फ फोर वाला, नंबर फोर वाला ही गलत है, बाकी आपको सभी सही याद रखना है। ठीक है, सभी बाकी सही है। दोस्तों इसके बाद में मैं आपको कुछ मॉडल प्रश्न बता रहा हूँ, इन मॉडल प्रश्नों को भी आप ध्यान से देखेंगे। पहला है सिंचाई एवं जल निकास में अंतर बताइए, मतलब एक तो सिंचाई जो खेतों में हम, जैसे मान लीजिए अगर हमारी फसल है तो उसका उत्पादन करने के लिए, फसल की वृद्धि करने के लिए क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। और जल निकास मतलब कुछ जल को किस प्रकार से निकाला जाता है, उस विधि के बारे में बताना है। तो सिंचाई और जल निकास में अंतर आपको लिखना है। दूसरा, मृदा में पोषक तत्वों की हानि के तीन कारक लिखकर उनका संक्षिप्त वर्णन करना, मतलब जो मिट्टी है ना उसमें पोषक तत्वों की हानि के तीन कारण आपको बताना है कि पोषक तत्वों की हानि क्यों हो रही है मिट्टी में। ठीक है, अगला देखिए, खाद और उर्वरक में अंतर आपको बताना है। तो देखो, खाद और उर्वरक में अंतर आपको बताना है। उर्वरक क्या है, ये उर्वरा क्षमता बढ़ाता है। ठीक है, और खाद, आपको खाद और उर्वरक दोनों में अंतर अच्छे से लिख देना है। और कुछ और मॉडल प्रश्न देख लीजिए दोस्तों, ये और कुछ मॉडल प्रश्न हैं आपके। धान मूंग एवं उड़द की दो दो उन्नत किस्मों के नाम लिखिए। सामान्यतः गन्ने को टुकड़े करके ही क्यों बोया जाता है, और इसके बाद शोभाकारी उद्यान के महत्व को लिखिए। ठीक है, अब मैं और भी कुछ आपको मॉडल प्रश्न बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखेंगे, अमरूद की तीन बहारों के नाम लिखिए और बताइए कि उनमें से कौन सी बहार सर्वोत्तम है, उसे लेने के तीन कारण बताइए। फल परिरक्षण के महत्व लिखना है। ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ब्लांचिंग क्या है, इसके लाभ लिखिए। तो दोस्तों कक्षा 12वीं फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र का मॉडल पेपर मैंने आपको बताया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से इसको कंप्लीट करेंगे और अपनी परीक्षा की जो तैयारी है वो जारी रखेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको मैं अगले विषय का मॉडल पेपर बताऊँगा। धन्यवाद।